चीजें जो है कि पूरी दुनिया में बदल रही है, हमारे देश में भी बदल रही है, गांव भी बदला है, तो निकल है। तो हर व्यक्ति को अपना अतीत जो होता है वह बड़ा अच्छा लगता है, चाहे मतलब मैंने 70-70 वर्ष के भी लोगों को कहता सुना है, वो अपने बुजुर्गों को कहते सुना है कि वो जमाना बड़ा गजब था। अब मतलब मैंने अंग्रेज बांध का मारता था फिर भी कहते हैं वो जमाना बड़ा गजब था। अब वो कैसे कहते हैं, किस आधार पर कहते हैं, वही जाने, ठीक है ना। आप अभी आप 20-25-30 साल के आदमी से कहिए, कहेगा कि मेरा बचपन गजब था। जब 70 साल से कहते हो लूटी जाता, तुम्हारा बचपन गजब कैसे था। अब अभी वाला भी व्यक्ति कहता है कि उधर का जमाना गजब था। हम भी कहेंगे कि हम भले जितने भी समस्या में जी रहे हो, 30 साल बाद हम भी कहेंगे कि 2014 वाला जमाना बड़ा तगड़ा था। हम नोटबंदी को भी हसीन बताएंगे बाद में। हर तरह का चीज है, अभी भले कितनी समस्या हो जाए, तो हर व्यक्ति को अपना वर्तमान समस्याग्रस्त दिखता है, अपना अतीत बड़ा अच्छा लगता है। ये है, उस जमाने में गजबे घी होता था, हमारे घर में बनता था, पूरा गांव महकता था। आजकल तो घी में दम ही नहीं है, ये कोई चावल है, वो चावल था, क्या था वो चावल, क्या इतना बड़ा चावल होता था, क्या था यार। लेकिन बोलता है सब कोई, तो अपना अतीत सबको अच्छा लगता है। तो मेरा भी कोई बचपन है, मेरी भी कुछ पीछे की चीजें हैं, हम भी जो चीजें गांव में देख के आए, हम भी कहते हैं कि यार शहर में ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वाला जमाना तो गजब था। वो वाला गजब वाला जो जमाना था, वहीं से एक गीत छोटा सा निकल के आता है, क्या है कि खेतों में घूमते थे, शाखों पर झूलते थे, खेतों में घूमते थे, शाखों पर झूलते थे, तुम क्या लूटोगे साहब मस्ती जो लूटते थे, तुम क्या लूटोगे साहब मस्ती जो लूटते थे, बड़ा गजब था ताना बाना, अब तो लगता है देश वीराना है रे, अब तो लगता है देश वीराना। हमें लगता था कि वही जमाना है, आज आप चारों तरफ लाइट्स है, आप चमकदार मॉल में जा रहे हैं, हर तरफ सब कुछ आपको चमकदार दिख रहा है, फिर भी मेरा गांव का जो मेरे अंदर जो बच गया है, थोड़ा सा गांव, जो थोड़ी सी माटी बच गई है, जो भी पाउडर और धूल होने से बची हुई है, वो कहती है कि अब देश वीराना लगता है। क्या था हमारा वक्त, इस सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे, सपने ऊंचाई पर थे, सोते चटाई पर थे, आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे, आंखों में खड़ा हिमालय उसकी चढ़ाई पर थे, कि थक के सुनते थे रेडियो पे गाना है रे, अब तो लगता है देश वीराना है रे, अब तो लगता है देश वीराना। और क्या था कि बड़े मुश्किल से बुजुर्गों का अब आशीर्वाद मिल पाता है। मैं भाग्यशाली हूँ आज की प्रेम सर का आशीर्वाद मुझे मिला। मैं आज से 4 साल पहले हंसराज कॉलेज में प्रेम सर को सुनने के लिए गया था, मेरे एक बड़े भैया हैं उनके कहने पर, और बैंक का एक कार्यक्रम था। तो आप यूँ समझिए कि 4 साल की तपस्या सर सिद्ध हुई जब आज मुझे आशीर्वाद मिला है प्रेम सर का, मैं आभारी हूँ। तो क्या था कि एक जमाना था, क्या है कि रस्ते में टोकते थे, बेमतलब रोकते थे। संबंधों की श्रृंखला ऐसी होती है कि अगर कोई अपने नानी घर में चला गया तो उस गांव का डकैत भी है तो मामा लगता है। बच्चा बोलता है डकैत मामू, डकैत मामा हो रहे। ये था संबंधों का श्रृंखला। आज जब आप अपने चाचा को बताने के लिए, आज का बच्चा कहता है कि ये मेरे फादर के भाई हैं और ये इनकी वाइफ चाची को, जब नारीवाद इस तरफ पड़ चुका है कि आप किसी को अगर चाची बोल दें, दीदी बोल दें, तो लोग कहता है कि आपने तो औरतों के व्यक्तित्व को ही बांध दिया, आपने उसे दूसरा नाम दे दिया, रिश्ते का व्यक्तित्व कहां गया। जब ऐसे ऐसे मतलब अतिरेक वाले युग में हम रह रहे हैं, तब हम गांव में क्या करते थे कि बेमतलब टोकते थे, रस्ते में रोकते थे, कुछ भी नहीं सोचते थे, माथा नहीं नोचते थे,
तब जरूरी नहीं था अकल लगाना है रे, अब तो लगता है देश वीराना है रे, अब तो लगता है देश वीराना। और क्या था इस पूरी चमकदार दुनिया को चुनौती देते हुए कहता हूँ कि दिन इससे ज्यादा थे उजले, दिन इससे ज्यादा थे उजले, इतनी थी ना काली रातें, दिन इससे ज्यादा थे उजले, इतनी थी ना काली रातें, छत पर लेटे सुनते थे चांद की तारों से बातें, और टूटे तारों से मन्नते मंगाना है रे, अब तो लगता है देश वीराना है रे, अब तो लगता है देश वीराना। खेतों में घूमते थे शाखों पे झूलते थे, तुम क्या लूटोगे बाबू मस्ती जो लूटते थे, बड़ा गजब था ताना बाना है, अब तो लगता है देश वीराना है रे, अब तो लगता है देश वीराना।